कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी पर डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही है, किसने कहा नहीं हो रही है। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है, पर कितना मीडिया दिखाता उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब सीबीआई पहुंच जाए, ये स्थिति है देश के अंदर। और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है, डिस्कशन डिबेट होती तो कहाँ होती उन मुद्दों पर ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके एसएलपी दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है, तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सत्याग्रह नहीं है ये, असत्य के लिए आग्रह है, और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए, ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है, और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है, और यही करने की आवश्यकता है, लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के ज्यूरिसडिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है, और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है, और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है, और नियम सबके लिए बराबर है, और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। नो हाउ वी हैव बीन मिसयूजिंग द एजेंसीज, यू नो हाउ ईडी हैज बीन वर्किंग एंड हाउ लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन रिकवर्ड बाय ईडी इटसेल्फ एंड बाय अदर एजेंसीज। इन्होंने देश के लिए काम किया है, और कोई भी एजेंसी कोई भी काम करती है वो कानून के दायरे में करती है, और किसी भी एजेंसी की बात किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। वन शुड टेक द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। और सड़कों पर आना यह कहीं ना कहीं अपना कानूनी पक्ष को दर्शाता है, और कानून में लड़ने में कमजोर महसूस करने की बात है।